हेलो गाइस। तो मैं सुबह, आज शनिवार था, तो मैं घर से जल्दी निकला और मैं झालिया के गौराबाई हाई स्कूल जो है यहाँ पर मैं सुबह प्रेयर के समय पहुँचा था। और प्रेयर के समय वहाँ के सर वगैरह, उन्होंने मुझे परमिशन दी बोलने की और बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देने की। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर बहुत अच्छा था। और शनिवार के दिन वहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करते, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहाँ पे बैठ के भी मैंने भी मेडिटेशन किया 15 मिनट का, तो बहुत रिलैक्स लगा। और आप देख सकते हैं अभी। कोरली अभिमाना चीलनी आ पोलादी मन गटे खेड़ती खेड़जी वगेनी आ नारी दराचा उन्नत सी जला नीतराचा घामाने भी जला देश गौरवा साठी जी जला साठी जी जला देश गौरवा साठी जी जला दिल्ली चे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग। आप कौन सी क्लास में हैं? नाइन्थ में। तो आप पर्यावरण के बारे में पता है आपको? तो आप पॉलीथीन को बैन करने के लिए, प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रदूषण नहीं फैलाना है और प्लास्टिक चीजों को नहीं लेना है। और हाँ, हमें कपड़े का थैला यूज करना चाहिए। कपड़े का थैला यूज करना चाहिए। तो अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग मालूम है क्या? ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है। हाँ। ये मतलब धरती मतलब सचमुच गर्म कैसी हो रही है? प्रदूषण के कारण। कैसा? प्लास्टिक सड़ता नहीं। हाँ हाँ, उसे हम उसे जलाते हैं, उसके हाँ। कारण धुआं होता है जिससे हमारी धरती गर्म हो रही है और पेड़ पौधे कट रहे। हाँ। हाँ। तो अब पेड़ पौधों को बचाने के लिए और क्या अवेयरनेस कर सकते हैं? पेड़ लगाना चाहिए। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा। तो आपका परिसर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये आपने लगाए क्या? मतलब पुराने स्टूडेंट ने लगाए? तो हाँ, तो यहाँ का परिसर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और देखो कितना, मतलब आप बहुत खुश नसीब हो क्योंकि देखो पेड़ पौधे भी हैं, बड़ी पहाड़ी भी है। हाँ, और यहाँ पर बरसात में बहुत पानी जमता होगा। हाँ, बहुत अच्छा परिसर है। तो मैंने आपको कुछ जानकारी दी, कैसे लगी आपको? हाँ, और मैंने जो मिमिक्री आवाज़ निकाला वो ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, चल चालू है वीडियो। तो भी काट काट के बनाती हूँ।